शिमला में अब बारिश से कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भारी बारिश होने से विधानसभा के समीप कोमली बैंक के पास गुजरती सड़क बुरी तरह धंस गई। सड़क धंसने से इसके किनारे खड़ी चार गाड़ियां भी इसके मलबे में पूरी तरह से धंस गई हैं। इन्हें निकालने के लिए लोगों को रिकवरी वैन मंगवानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि यह घटना रात के करीब 2 बजे की है। हालांकि सड़क धंसने से किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम द्वारा स्थानीय लोगों के लिए यहीं पर पार्किंग बनाई गई थी। इसमें जो रात 2:15 बजे की घटना है, 2:15 बजे की रात को जोर से आवाज़ आई, फिर हम सभी उठे और देखा यहाँ पर चार गाड़ियाँ नीचे गिरी हुई थी और MC द्वारा पार्किंग कोई 2-3 महीने पहले बनाई गई थी। और इस पार्किंग का काम जब चला हो तो हम देख रहे थे कि इसमें जो बीच में जो था, जो मटेरियल है, वो किसी बिल्डिंग का स्क्रैप जैसे होता है वो डाल रहे थे वो बीच में, और तो इसमें बीच बड़े पोर्शन में बिल्कुल खोखला था एक तरह से, जिस वजह से गिर गया। रात को एक धमाका हुआ जैसे 2:15 के आसपास, तो उसमें ऐसे देखा या हमने ऐसे सोचा कि कुछ पता नहीं क्या धमाका हुआ, ऐसे तो ऐसे भी इधर उधर कूड़ा फेंकते रहते तभी भी आता रहता धमाका, तो ऐसे उठ के आया तो सारे में शोर मचा गया, तो आके देखा जी बस गाड़ी सारे हमारे नीचे चले गए। इसमें से हमारे 4-5 गाड़ी थे, ये MC का बना हुआ पार्किंग बना हुआ है। रात को 2:15 जब हम सोए हुए थे एकदम आवाज़ आई, हम ऊपर आके देखा तो यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट MC ने पार्किंग बनाई थी वो बैठ गई और हमारी गाड़ियाँ वगैरह सारी नीचे चली गई। दिव्य हिमाचल वेब TV के लिए शिमला से विक्रांत वदन की रिपोर्ट।